सो हे गाइस, यार अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसजी गेमिंग। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक मजे से बरहरियत से होंगे। सो गाइस, आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ कुछ नए इवेंट्स लेकर। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एफएफ टोकन के बंडल के बारे में कि आप लोगों को जो है ना एफएफ टोकन के सेशन में कौन सा बंडल देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा रैंक टोकन के बारे में कि आप लोगों को जो है ना वहां पर कौन सा बंडल देखने को मिलने वाला है और आप लोग जो है ना वहां पर एक्सचेंज कर सकेंगे। के साथ गाइज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कोबरा बंडल के बारे में जो कि रिटर्न में आने वाला है और उसके बारे में मुझे कुछ लीक्स मिली है और भी इवेंट्स इन अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो फिर चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पाकिस्तान का एक बंडल आने वाला है, पाकिस्तान सर्वर के लिए स्पेशल एक बंडल आने वाला है जिसके चेस्ट पर लिखा हुआ है पाकिस्तान। तो गाइस आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर जो है ना इंडिया वालों ने इस पर बहुत ज्यादा बुरा रिएक्शन मतलब दिया है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उनका रिएक्ट, क्योंकि यार इस तरह का रिएक्ट उनको नहीं करना चाहिए। कम अज कम जो है ना इतना तो रिस्पेक्ट करना चाहिए पाकिस्तान का। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सीन क्या है गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले जो है ना मुझे लगता था कि हमारा जो नफरत है मतलब हम दोनों के दरमियान जो नफरत है इंडिया और पाकिस्तान के, तो गाइस मैं समझता था कि ये सिर्फ गवर्नमेंट से और मीडिया की वजह से है, मतलब वहां पर जो है ना इधर उधर के लफड़े होते हैं, लेकिन पब्लिक के दरमियान मतलब इतना मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन अब आप लोग देख ले गाइस, ये जो है ना हमारा बंडल आने वाला है इस पर इंडिया वालों का रिएक्शन क्या है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। पहले तो गाइस आप लोग को बताता चलू कि यार हम इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन यार आप लोग को जो है ना इस तरह नहीं करना चाहिए। सिर्फ इंडिया की ही नहीं, हम दुनिया में जितने भी कंट्रीज है सबकी इस रिस्पेक्ट करते हैं और यार रिस्पेक्ट हमें करना भी चाहिए। आप लोग देख ले ये जो कमेंट है गाइस, ये मतलब इसको इतना भी यार इसमें मतलब यार वो नहीं है यार, इस तरह का कमेंट्स मुझे ख्याल से नहीं करना चाहिए गाइस। ये देख ले मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगे, इसलिए मैं आप लोगों को ये जो है ना इशू उठा के मैं आप लोगों को इस पर बात कर रहा हूँ। अब ये जो है ना देख ले गाइस, इसके अलावा गाइस ये एक भाई है, ये कह रहा है कि मैं नंगा तो यार रह सकता हूँ लेकिन पाकिस्तान का जो बंडल है ये नहीं पहन सकता। तो यार भाई तू नंगा ही ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइस, ये जो है ना ये चीज़ आप लोग को नहीं करना चाहिए। मैंने इसलिए सिर्फ इशू उठाई है कि आप लोग आइंदा से इस तरह की हरकतें ना करें। पाकिस्तान वालों को भी बोल रहा हूँ कि यार आप लोगों को भी इस तरह के रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पर, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए ईच अदर यार, एक दूसरे के रिस्पेक्ट हमको करना चाहिए, ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बल्कि यार दुनिया में जितने भी कंट्रीज है सबका जो है ना अपना अपना जो है ना इज्जत होता है, तो सबका जो है ना हमको रिस्पेक्ट ही करना चाहिए। तो चलिए गाइस आ जाते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट की तरफ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक वेट की स्किन के बारे में। अब गाइस ये जो स्किन है ये दिवाली इवेंट में आने वाला है, लेकिन मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका है कि ये दिवाली इवेंट जो है सिर्फ इंडिया में आएगा और इंडिया में आएगा लेकिन पाकिस्तान के सर्वर में भी आएगा, लेकिन यार नाम चेंज होगा, मतलब दिवाली नाम से पाकिस्तान के सर्वर में नहीं आएगा, नाम कोई और होगा लेकिन इवेंट एक होगा। यार हो सकता है कि आप लोगों को जो है ना इसमें चीजें जो है ना अलग अलग देखने को मिल जाए, लेकिन ये जो बेड की स्किन आप लोगों ने देख ली गई ये जो है ना हो सकता है कि आप लोगों को फ्री में मिल जाए और ये जो है ना 99% कन्फर्म हो चुके आप लोगों को जो है ना ये फ्री में ही देखने को मिलने वाला है। चलिए गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कोबरा बंडल के बारे में कि आप लोगों को जो है ना कोबरा बंडल रिटर्न में देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। तो गाइस ये आप लोग देख ले, आपको स्क्रीन पर एक बंडल नजर आ रहा होगा, सॉरी एक पोस्ट नजर आ रहा होगा। गाइस यहाँ पर जो है ना ये एक फिडेटविल टोकन टावर में आ चुका है, लेकिन ये जो है ना ये कौन सी सर्वर में आ चुका है गाइस, ये जो है ना मीना सर्वर में आ चुका है। और आप लोगों को बताता चलूं कि मीना सर्वर में उनको जो है ना फोकर एमपी पोर्टी अभी तक देखने को नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि हमको फोकर एमपी पोर्टी दिया गया है और उनको जो है ना कोबरा बंडल और कोबरा जो है ना एमपी पोर्टी उनको दिया गया है। गाइस आप लोग को बताता चलूं कि अब हो सकता है कि कोबरा बंडल और एमपी पोर्टी भी हमको देखने को रिटर्न में मिल जाए, लेकिन अभी तक जो है ना कन्फर्म इसके बारे में मुझे लीक्स नहीं मिली कि यार आप लोग को देखने को कन्फर्म मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि आप लोगों को जो है ना ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार हमको पोकर मिला है और उनको कोबरा मिला है, तो जब हमको कोबरा मिलेगा तो उनको पोकर मिल जाएगा, इस तरह का सीन हो सकता है और आप लोगों को हो सकता है कि बहुत ही जल्दी गेम के अंदर देखने को मिल जाए। और हाँ गाइस कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को कोबरा बंडल और रिपोर्ट यार चाहिए रिटर्न में या फिर नहीं चाहिए। तो फिर चलिए गाइस आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाले हूँ आप लोगों के नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। तो गाइस कल परसों मैंने आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया था N94 का इनक्यूबेटर, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है ना 99% कन्फर्म हो चुके आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पर जो है ना एक बंडल भी आ चुका है इनक्यूबेटर में, जो हो सकता है कि आप लोगों को वो भी देखने को मिल जाए। तो गाइस यार कल मैं आप लोगों को वीडियो में वो बंडल दिखाऊंगा रिव्यू के साथ कि आप लोगों को जो है ना कौन सा बंडल इनक्यूबेटर के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब जो है ना यहाँ पर चांसेस 50-50 हो गए हैं, आप लोगों को जो है ना यहाँ पर N94 भी देखने को मिल सकता है या फिर वो जो बंडल है वो भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस वो जो है ना कल की वीडियो में आप लोग देख लेंगे, उसे देखने के बाद आप लोग मुझे बता भी देंगे कि आप लोगों को N94 चाहिए या फिर वो बंडल चाहिए
इनक्यूबेटर में। चलिए गाइस आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शलवार कमीज बंडल के बारे में। तो गाइस आप लोगों को जो है ना एफएफ टोकन सेक्शन में बहुत ही जल्दी शलवार कमीज बंडल देखने को मिलने वाला है। अब गाइस ये देख लिया आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये जो बंडल है गाइस आप लोगों को पसंद आए या फिर नहीं गाइस ये जो है ना मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन यार यहाँ पर जो है ना 100% कंफर्म हो चुका कि आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी वीक के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो फिर चलिए गाइस आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एफएफ टोकन सेक्शन के बारे में। तो गाइस यहाँ पर जो है ना आप लोगों को एक बहुत ही जल्दी एक बंडल देखने को मिलने वाला है, आप लोगों को स्क्रीन पर भी नजर आ होगा। अब ये जो बंडल है आप लोगों को कैसे लगा इसके बारे में मुझे जरूर बताना गाइस, मैं आप लोगों को अपनी राय आप लोगों को बताता जाऊँ तो ये है ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगे क्योंकि थोड़ा मोटा सा बनाया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें जो कि मुझे अच्छे लगे। अब गाइस यहाँ पर जो है आप लोग देख ले इसका जो है ना हेयर स्टाइल, खसूसी जो है ना हेयर स्टाइल इसका बहुत ज्यादा ओपी मुझे लगा क्योंकि यार काफी ज्यादा जबरदस्त बनाया गया है। आप लोग देख ले यहाँ पर, आप लोग भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, तो आप लोग को लुक का जो है ना यहाँ पर अंदाजा हो गया होगा। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन मैं आप लोग को बताता जाऊँ मेंशन करता जाऊँ कि ये जो है आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, क्योंकि यार हमारे जो रैंक टोकन होते हैं वो हमारे पास बहुत ग्यारह होता है, जो कि यार जो भी बंदे जो है ना रैंक खेलते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा होता है। तो यार आप लोग को बताता चूंकि आप लोग को जो है ना फ्री में मिलने वाला है तो बहुत ज्यादा अच्छा और ओपी लगा मुझे। आप लोग को कैसा लगे इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और शेयर कर ली, होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, काफी है, मिलते हैं बहुत ही जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।